Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. Tag TV ke Pakistan studio mein aapko kahenge khush aamdeed. कोई उम्मा के मुहाफिजों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहां, आगे वो लोग आपके लिए हार लेके नहीं खड़े। जब तक इंशाल्लाह उनको आजादी नहीं मिलेगी, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। डू नॉट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। बुशरा खान, सारा तना कादिर, कौकब फारूकी, नरजी जुल्फिकार, तूबा शकील, टैग टीवी पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं वकार हुसैन। नज़र डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। मायूसियों के बादल छटने को तैयार, वजीर आजम ने 1.25 लाख से ज़ायद सरकारी असामियों पर भर्ती का हुक्म जारी कर दिया। पीएम डिलीवरी यूनिट ने वजारतों और महकमों की इस्तदादकार पर रिपोर्ट तैयार करके तफसीलात वजीर आजम को पेश कर दी। अमरीका और ईरान के दरमियान सालसी का किरदार अदा नहीं कर रहे, वजीर खारजा कहते हैं कि हम कशीदगी में खात्मे की कोशिशें कर रहे हैं, पाकिस्तान मशरिक वस्ता के बहरान में फरीक नहीं बनेगा। परेज मुशरफ ने सजाए मौत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। साबिक सदर ने मौकिफ इख्तियार किया कि खसूसी अदालत ने ट्रायल मुकम्मल कराने में आइन की 6 बार खिलाफ वर्जी की और शफाफ ट्रायल का हक नहीं दिया। सेनेटर सरफराज बुगटी की अगवा केस में गिरफ्तारी का हुक्म, साबिक वजीर दाखिला बलूचिस्तान को अहाता अदालत से गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया गया। बरतानवी शहजादी भी पाकिस्तानी फालूदी की दिलदादा निकली, शहजादा विलियम और शहजादी कैट मिडलटन का ब्रेडफोर्ड में वाके पाकिस्तानी रेस्टोरेंट का दौरा। 22 घंटे बाद बर्फानी तोदे तले जिंदा निकाली गई, बच्ची भी दम तोड़ गई। लैंडस्लाइडिंग से हलाकतें 78 हो गईं, इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं, सर्दी की शिद्दत बरकरार। Are you concerned about your future? We invite you to consider Option Canada. I'm a former Canadian immigration officer and a senior case analyst, and I've served the Canadian government for 16 years. I provide accurate assessment on every case, and I'll be happy to assist you in making Canada your home. For the past 26 years, we have assisted professionals, business people, senior managers, and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once. Do it right. Pandit Vijay Ram, a famous astrologer and psychic healer, palm reading, face reading, horoscope. Pandit Vijay Ram ka kehna hai, inke paas aapki tamam samasyaon ka hal hai. Kale jadoo ka tod, aapka mehboob aapke kadmon mein, aapki marriage, job, karobar, bimari aur court kachehri samet tamam samasyaon ka hal. Tamam dharmon ke behan bhaiyon ki mushkilat dur kar sakte hain. All religions welcome. पंडित विजय राम से राबता कीजिए 6473912133 6473912133 एड्रेस 5330 यंग स्ट्रीट नॉर्थ यॉर्क टोरंटो। वजीर आजम इमरान खान ने मुल्क भर में 1.25 लाख से ज्यादा सरकारी असामियों को फौरी तौर पर पुर करने का हुक्म दिया है। वजारतों और महकमों की गफलत के बाइस 1.25 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां भर्ती की मुंतजर हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर आजम इमरान खान ने मुल्क भर में 1.25 लाख से ज्यादा सरकारी असामियों को फौरी तौर पर पुर करने का हुक्म दिया है। वजारतों और महकमों की गफलत के बाइस 1.25 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां भर्ती की मुंतजर हैं। पीएम डिलीवरी यूनिट ने वजारतों और महकमों की इस्तदादकार पर रिपोर्ट तैयार करके तफसीलात वजीर आजम को पेश कर दी, जिसके मुताबिक 35 वजारतों में 1,29,000 असामियाँ खाली हैं, जिनमें से 4,000 असामियाँ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए पुर होना है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेड 21 और ग्रेड 22 की 96 असामियाँ खाली हैं, ग्रेड 8 से ग्रेड 15 तक की 41,000, ग्रेड 1 से ग्रेड 7 तक की 51,000, जबकि ग्रेड 16 से ग्रेड 22 की
13,421 पोस्टों पर कोई अफसर तैनात नहीं। वाज़ेह रहे कि वफाकी हुकूमत ने इन असामियों की तफसीलात और उन्हें पुर करने के लिए वजारतों को रेड लेटर भी जारी किए थे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस और सलामती कौंसिल के सदर से मुलाकातें की, जिनमें मशरिक़ वुस्ता और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्दियों पर तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि हम अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी का किरदार अदा नहीं कर रहे बल्कि कशीदगी में खात्मे की कोशिशें कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में ज़राए इब्लाग-ए-आमा के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की भारतीय खिलाफ वर्दियाँ तशवीशनाक हैं। आलमी बिरादरी कश्मीरियों को भारतीय जबर से निजात दिलाने के लिए किरदार अदा करे। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर सलामती कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। सलामती कौंसिल में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। वादी की सूरत हाल भारत का अंदरूनी मामला नहीं है। कई मुल्कों को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तश्वीश है और कई ममालिक दो तरफा बातचीत पर जोर दे रहे हैं। दो तरफा मुदाकरात के लिए पाकिस्तान मुखलिस है, भारत पीछे हट रहा है। Are of the view that nobody stands to gain from this conflict and we should all step in to de-escalate. वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अफगान अमल पर पेशरफ्त के हवाले से अपने बयान में कहा है कि कुछ अरसे से अमरीका और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात जारी थे। पाकिस्तान ख्वाहिशमंद था कि मुज़ाकरात पर कोई पेशरफ्त हो। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि समझते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान और खित्ते को अमन। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने गद्दारी केस से मुतालिक सजाए मौत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। परवेज मुशर्रफ की अपील 89 सफात पर मुश्तमिल है, जिसमें उन्होंने विफाक और खसूसी अदालत को फरीक बनाया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। परवेज मुशर्रफ ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि मेरा बैरून मुल्क इलाज जारी है, बीमारी के बायस बिस्तर पर हूँ और अदालत में पेश नहीं हो सका, मुझे शफाफ ट्रायल का हक नहीं दिया गया। दरख्वास्त में मज़ीद मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि खसूसी अदालत के 17 दिसंबर के फैसले से गैर मुतमईन हूँ। खसूसी अदालत ने ट्रायल मुकम्मल करने में आइन की 6 बार खिलाफ वर्दी की। मेरे मामले में इंसाफ का कत्ल ना हो, इसलिए मुकर्ररा कानूनी मुद्दत में अपील दायर की। परवेज मुशर्रफ ने दरख्वास्त में खुसूसी अदालत का सजाए मौत का फैसला कालेदम करार देने की इस्तदा की। 3 रोज कबल लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस का फैसला सुनाने वाली खुसूसी अदालत की तश्कील को कालेदम करार दे दिया था। वाज़ेह रहे कि खुसूसी अदालत ने आइन के आर्टिकल 6 के तहत मुल्क से गद्दारी का जुर्म साबित होने पर साबिक सदर और आर्मी चीफ जनरल रिटायर परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत सुनाई थी, जबकि तफसीली फैसले में कहा था कि कानून नाफिज करने वाले इदारे मुजरिम को गिरफ्तार करके सजाए मौत पर अमल दरामद कराएं। अगर परवेज मुशर्रफ मुर्दा हालत में मिलें तो उनकी लाश को डी चौक इस्लामाबाद पर घसीटा जाए और 3 दिन तक लटकाई जाए। पाकिस्तानी खानों की लज्जत के चर्चे अब तो बरतानिया में भी सर चढ़कर बोलने लगे। बरतानवी शहजादी कैट मिडल्टन भी पाकिस्तानी फालूदे की दिलदादा निकली। शहजादी ने बड़े शौक से पाकिस्तानी फालूदा खाया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक शाही खानदान में जारी कशीदगी कम होने के बाद शहजादा विलियम और कैट मिडल्टन ने सैर सपाटे किए। शाही जोड़ा लोगों से मिलने ब्रैडफोर्ड पहुँच गया। अवाम शहजादा और शहजादी की एक झलक देखने के लिए बेताब नजर आए। शाही जोड़े ने पाकिस्तानी रेस्टोरेंट का दौरा भी किया और चटपटे खानों से अपने दौरे पाकिस्तान की याद ताज़ा की। इस मौके पर वहां मौजूद शहरियों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और गुलदस्ता भी पेश किया। रेस्टोरेंट में शाही जोड़े ने अमले की मदद से खुद फालूदा तैयार किया और बड़े शौक से खाया। इस दौरान स्टाफ ने उन्हें मुकम्मल मालूमात फराहम की। रेस्टोरेंट में शाही जोड़े से बॉक्सर आमिर खान ने भी मुलाकात की और उनकी आमद का शुक्रिया अदा किया। England is a racist country. I mean, we've been living here. We are well respected and well, you know, so really, I mean, I don't know much about what's been happening and what's been going on. I've been reading up on it, but I hope they sort all the issues out. Really, look, I've been in a position like that myself a long, long time ago, where you know you do feel unwanted. But I'm sure they'll get to the bottom of it and hopefully things get better. Shahi Jora khushgawar mood mein wahan maujood logon se gul mil gaya, jabki Pakistani kitchen ke staff se mulaqat bhi ki. आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी के दौरान हादसात और जानी नुकसान में मुसलसल इजाफा हो रहा है।
وادی نیلم میں برفانی تودے سے تباہی کا شکار علاقے سے ایک لاش برآمد ہوئی ہے، جس کے بعد ان واقعات میں جاں بحق افراد کی تعداد 78 ہو گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برف باری اور تودے گرنے سے ہونے والی تباہی میں 56 افراد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ صرف وادی نیلم میں 200 سے زائد مکانات اور 22 دکانوں کو نقصان پہنچا ہے۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم کے گاؤں بگولی میں برفانی تودے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن آج پھر شروع ہو گیا ہے، جبکہ وادی لیپا میں برف باری سے متاثرہ شاہراہ کی بحالی کے لیے محکمہ تعمیرات عامہ نے ہنگامی بنیادوں پر آپریشن شروع کر دیا ہے۔ بھاری مشینری نے 15 روز سے بند لیپا شاہراہ سے برف ہٹانا شروع کر دیا ہے۔ راستوں کی بندش سے یہاں 1,00,000 نفوس پر مشتمل آبادی محصور ہو کر رہ گئی ہے۔ ریسکیو ٹیموں کو علاقے میں کئی کئی فٹ برف کی وجہ سے امدادی سرگرمیوں میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شدید برف باری کے باعث آزاد کشمیر کی اہم شاہراہیں اور رابطہ سڑکیں بند ہیں۔ ادھر بلوچستان کے شمال مشرقی علاقوں میں بارش اور برف باری کا سلسلہ تھم جانے کے بعد بھی سردی کی شدت برقرار ہے۔ مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی، یہاں لیتے ہیں ایک بریک۔ پنڈت وجے رام، اے فیمس اسٹرالوجر اینڈ سائیکک ہیلر، پام ریڈنگ، فیس ریڈنگ، ہوروسکوپ۔ پنڈت وجے رام کا کہنا ہے ان کے پاس آپ کی تمام سمسیاؤں کا حل ہے۔ کالے جادو کا توڑ، آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں، آپ کی میرج، جاب، کاروبار، بیماری اور کورٹ کچہری سمیت تمام سمسیاؤں کا حل۔ تمام دھرموں کے بہن بھائیوں کی مشکلات دور کر سکتے ہیں۔ آل ریلیجنز ویلکم۔ پنڈت وجے رام سے رابطہ کیجیے 6473912133، 6473912133، ایڈریس 5330 یانگ اسٹریٹ، نارتھ یارک، ٹورنٹو۔ عدالت نے اغوا کیس میں سابق وزیر داخلہ بلوچستان سینیٹر سرفراز بگٹی کی ضمانت منسوخ کرتے ہوئے انہیں گرفتار کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ سرفراز بگٹی کے خلاف کوئٹہ کے بجلی گھر تھانے میں خاتون کی مدعیت میں بچی کے اغوا میں سہولت کاری کا مقدمہ درج ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کوئٹہ کی سیشن کورٹ میں بچی کے اغوا سے متعلق سرفراز بگٹی کی درخواست سے ضمانت کی سماعت ہوئی۔ ایڈیشنل سیشن جج 9 کی عدالت نے بلوچستان عوامی پارٹی کے سینیٹر سرفراز بگٹی کی درخواست سے ضمانت مسترد کرتے ہوئے بچی کے اغوا میں معاونت پر انہیں گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ درخواست گزار کا کہنا ہے کہ 2013 میں ان کی بیٹی سہرش کا قتل ہوا تھا، جس کے بعد وہ اپنی 10 سالہ پوتی ماریا علی کی کفالت کر رہی تھی۔ 7 دسمبر 2019 کو وہ ماریا علی کو اس کے والد توکل علی بگٹی سے ملانے عدالت لائی تھی، جہاں سے اسے توکل علی نے اغوا کر لیا اور سرفراز بگٹی کے گھر چھپا دیا۔ سرفراز بگٹی نے ماریا کے اغوا میں ملوث ہونے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ توکل علی ان کا دوست ہے اور اس واقعے سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. Tag TV کے پاکستان اسٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ امہ کے محافظوں نے بہت سی انویسٹمنٹس کر رکھی ہیں وہاں، آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے۔ جب تک انشاءاللہ ان کو آزادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ Do not live in a fool's paradise. بشرا خان، سارا، تنہا قادر، کوکب فاروقی، نرجس ذوالفقار، توبہ شکیل، ٹیک ٹی وی پاکستان۔